गाइस वेलकम टू ज्ञानेर। दोस्तों आज हम लैक्टेयर कैप्सूल का रिव्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे व्यूवर्स की कि भाई लैक्टेयर कैप्सूल को बताइए, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा, सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर लैक्टेयर कैप्सूल जो है ये ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मतलब कि कई महिलाओं में दूध की कमी हो जाती है, दूध नहीं बन पाता है, इसलिए ये दिया जाता है। तो जो लैक्टिक जो वर्ड होता है दूध से लिया गया है ना, मिल्क प्रोडक्शन मतलब मिल्क का एक कंटेंट होता है लैक्टिक, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया लैक्टेयर। तो कभी भी जिंदगी में याद रखो, लैक्टेयर करके कुछ प्रोडक्ट देखे तो समझ लेना ये दूध से रिलेटेड है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये है कि ये कंपनी है कौन सी, TTK हेल्थ केयर इंडिया, तो ये इसको बनाती है। 200 रुपये का इसका पत्ता आता है, स्ट्रिप आता है, जो महिला को दिया जाता है। अब ये कब दिया जाता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, खासतौर पर सिजेरियन डिलीवरी के बाद अधिकतर देखने को मिलेगा, या कई बार प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है कि महिला की या तो फर्स्ट डिलीवरी हो, कई बार महिला पहली बार माँ बनी होती है तो उसका दूध नहीं आ पाता, ब्रेस्ट के अंदर जो है जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। तो ये क्या है कि उस वक्त बच्चा भूखा रह जाएगा, बच्चा वीक हो जाएगा। बच्चा का लिए जाहिर सी बात है माँ का दूध अमृत समान होता ही है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं पहुँच पाएंगे, तो ज़रूरी हो जाता है कि माँ की जो है उसके ब्रेस्ट में दूध का आना, तो उस कंडीशन में डॉक्टर लिखता है। उसके अलावा भी कई तरह के जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं वो अपनाते ही हैं। दोस्तों आप जानेंगे कि जो लैक्टेयर कैप्सूल है उसके अंदर पाया क्या जाता है, इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो देखो इसमें अंदर पाया जाता है क्या, बिथानिया सोमनीफेरा, एस्पेरेगस रेजिमोसिस, ट्राइगोनेला फोनियम और ग्रेसिकम और ग्लाइसेरिना ग्लेवरा और एलिनम सटाइवम। तो ये आप इन नाम को देख कर डरो ना कि ये कितने बड़े बड़े नाम, ये बेसिकली जड़ी बूटियों के साइंटिफिक नाम है, ठीक है ना। बिथानिया सोमनीफेरा एस्पेरेगस रेजिमोसिस क्या है, सतावर और रसबंदा, इनको ही बोला जाता है। सो ये सारे के सारे आप अलग से भी लेके खाओगे तो भी मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। सो खैर इन्होंने क्या, अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा मात्रा में दिया गया है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लैक्टेयर कैप्सूल ले सकते हो। लैक्टेयर भी नहीं मिलता तो सब्स्टिट्यूट बताना ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं कि हमारे एरिया में नहीं मिल रहा, तो सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं। अगर आपको लैक्टेयर कैप्सूल नहीं मिल रहा तो आप लैक्टोमा ले सकते हो, लैक्टोमा ग्रेन्यूल्स भी आता है और गैलेक्ट करके भी आता है एक प्रोडक्ट, और यहाँ से लैक्टोनिक भी आता है। तो ये इनके ग्रेन्यूल्स भी मिल जाते हैं, कई महिलाओं को कैप्सूल नहीं खाना, उसको तो दूध में घुल के पाउडर पीना, तो वो भी मिल जाता है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। सो खैर ये उसका दोस्तों हो गया इंग्रेडिएंट्स और इसका हो गया सब्स्टिट्यूट। तो अब जानेंगे कि भाई इसका डोज क्या रहता है। डोज 2 कैप्सूल दिन में 3 बार, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो नुकसान नहीं करेगा, साइड इफेक्ट इसके नहीं है, तो मेंशन भी नहीं किए हैं, अगर होते भी होंगे तो वैसे तो होंगे नहीं। तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, 2 कैप्सूल दोपहर में, इस तरह से ले सकते हैं, या 2 कैप्सूल दोपहर में ले लो या 2 कैप्सूल रात में सोते वक्त ले लो। तो दिन में 3 बार 2 कैप्सूल लेना किसी भी महिला को, पानी के साथ या दूध के साथ। सो खैर ये जब लेगी महिला तो उसके बॉडी में जो है उसके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अब जान लेते हैं इसका काम कैसा करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा कैसे देता है, ये भी जानना जरूरी है, मोड ऑफ एक्शन। तो होता क्या है दोस्तों, जी ये जो सारी जड़ी बूटियां हैं मिल्क के, महिला की बॉडी में प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ा देता है, और डैमेज्ड और वीक गैलेक्ट जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनको ये रिपेयर करता है। तो जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है तो ये मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जितनी भी दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं जो सतावर वगैरह जो भी एस्पेरेगस रेजिमोसिस, ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ गैलेक्टागोग्स कहलाती हैं। क्या, गैलेक्टागोग्स, तो गैलेक्टागोग्स ही हैं ये, और ये गैलेक्टागोग्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल लीजिए मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। तो ऐसी महिला जिसको मिल्क नहीं आ रहा, बच्चा भूखा रहता है, बच्चा कमज़ोर रह गया, तो वो ये ले सकती है, रिजल्ट अच्छे हैं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी के बाद ही देना है, तो इसका कोई भी ऐसा ड्रग इंट्रैक्शन भी नहीं है। सो ये है दोस्तों लैक्टेयर कैप्सूल का रिव्यू। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।